आज का एपिसोड राग सरस्वती। सरस्वती एक ऐसा नाम है, इस राग के बारे में ज्यादा एक्सप्लेन करने की मुझे जरूरत होनी तो नहीं चाहिए। ये राग या इस नाम को लेते हुए सबसे पहले सामने मां सरस्वती की हमारे सामने एक छवि तैयार हो जाती है। उनका बैठना, उनके बेनेवोलेंस आंखों के, उनका जो तस्वीर, उनका पूरा एक चर्म हमारे सामने जो आता है, इससे हमको अंदाजा लग जाएगा कि इस राग की क्या फीलिंग है। और इस राग में ज्यादातर स्पिरिचुअलिटी के ऊपर ध्यान दिया है। जो भी बंदिशें बनती हैं उसकी लीनिंग उसी किस्म पे होती है। मुझे याद है उस्ताद दबीर खान साहब, उनको मैंने एक दफा राग सरस्वती बजाते हुए सुना। मैं बहुत छोटा हूंगा और मुझे इन चीजों पर यकीन नहीं था, मगर सच है कि एक दफा एक तस्वीर मेरे सामने उस इंसान ने खड़ी कर दी कि भाई मां सरस्वती का उनके आंखों में, उनके जिस्म में, उनके दिलो दिमाग में क्या तस्वीर होगी। यही चीज है कमाल इन रागों में कि ये जात पात कास्ट ऊंच नीच हर चीज को चीर के आप तक पहुंच जाती है। उस्ताद राशिद खान हिंदुस्तान के बहुत बड़े गायक हैं, उनके बारे में तारीफ करके आपको सुनाने की मुझे कोई जरूरत नहीं है, मगर क्या खूबसूरत चीज उन्होंने राग सरस्वती में गाई है, आइए इस चीज का मजा लें।
Toma bene, toma bene.